वेरी वेल वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत के द्वारा विकसित की गई एक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। अभी तक तो भारत ने काफ़ी सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विकसित कर लिया है, लेकिन ये पर्टिकुलर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत ने विकसित किया है वो स्पेशली टारगेट करती है बैलिस्टिक मिसाइल्स को। पहले मैं आपके जरा बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बता दूं। बैलिस्टिक मिसाइल्स एक ऐसी मिसाइल्स है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की क्षमता को रखती है। मान लीजिए आप इंडिया से कोई अगर मिसाइल फायर करते हैं, ये जाके दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे महाद्वीप में या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे जाके हिट कर सकती है, तो ऐसा इसमें देखने को मिलता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो आज के डेट में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं, और इसमें ही न्यूक्लियर वॉरहेड को रखा जाता है। और जितने भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज अब एक्चुअली इसी बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज़ करती हैं इन्हीं न्यूक्लियर आपके वेपन्स को डेवलप। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार का ये न्यूक्लियर वेपन है, और इस न्यूक्लियर वेपन ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हिट कर सकती हैं। तो इतने एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। आज के डेट में देखेंगे कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान है और फिर चाइना है, इन्होंने भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलपमेंट कर रखा है और इनकी रेंज भी काफ़ी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, और ये जो पर्टिकुलर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको कहा जाता है BMD, जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसका दो चरण में काम हुआ था। इसका फेस वन पहले ही डेवलप कर लिया गया था, जो लगभग दूर या किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से आ रही 2000 किलोमीटर से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ रही होगी उसको यहाँ पर जो रेडार्स हैं वो डिटेक्ट कर लेंगे, और एक इंटरसेप्टर मिसाइल जो उनको जाके फायर करेगी और जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। लेकिन इसमें एक और एडवांसमेंट हो गया, ये रहा तो ये जो अभी मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 2000 किलोमीटर दूर से आने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको मार के हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है BMD सिस्टम है वो गिरा सकता है। इसी का अगला वर्जन या एक अगला अपग्रेडेड वर्जन आ गया है जिसे फेज 2 सिस्टम कहा जा रहा है। ये जो फेज 2 सिस्टम होगा इसमें रेंज और भी बढ़ चुकी है। अब 5000 किलोमीटर दूर से कोई अगर जो बैलिस्टिक मिसाइल हमारे इंडिया की ओर बढ़ रही होगी तो उसको भी अब ये बैलिस्टिक जो फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो टारगेट कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज करके बर्बाद कर सकता है। इसमें जो आपके मिसाइल्स लगे होंगे वो अब सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं जो 2-स्टेज सिस्टम पे काम करते हैं, और ये जो पर्टिकुलर मिसाइल्स हैं वो सॉलिड फ्यूल से जैसे कि अभी बताया काम करते हैं, और वो जाके इस पर्टिकुलर बैलिस्टिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक टेस्ट किया गया जुलाई 24, 2024 को, और इसमें हमारे एक स्पेसिफिक तो इसी को मिमिक करते हुए अब एक मिसाइल को फायर किया गया, क्योंकि इसकी एक नकल बनानी थी, इसको मिमिक करना था कि कोई एनिमी मिसाइल आए तो इसके लिए LC-4 धमरा से एक टारगेट मिसाइल को फायर किया गया जो एक एनिमी की मिसाइल की भूमिका निभा रही थी। और फिर जो हमारा एयर डिफेंस जो मिसाइल है वो चांदीपुर से लॉन्च हुई, और चांदीपुर से लॉन्च होने के बाद इस पर्टिकुलर एनिमी मिसाइल जो मिमिक कर रही थी जो हमने LC-4 धमरा से छोड़ा था उसको जाके इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। ये जो है वो पर्टिकुलर ऐसी मिसाइल्स है जो आपके एक्सो और एंडो एटमोस्फेरिक जो एरियाज़ है उस रीजन से आने वाली मिसाइल्स है उनको भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखती है। अब इसमें एडवांसमेंट ऐसा नया क्या है, तो इसमें लगे हुए हैं आपके लॉन्ग रेंज सेंसर्स और लो लेटेंसी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसके साथ ही इसमें जो मिसाइल कंट्रोल सेंटर है वो अपग्रेडेड वाला है, और साथ ही साथ इसमें एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल्स हो चलते हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जो आपके सॉलिड फ्यूल 2-स्टेज सिस्टम से लेस है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने के बाद अब हमको क्या एडवांटेज मिलता है, आप जानते हैं इंडिया एक न्यूक्लियर पॉलिसी को फॉलो करता है, दैट इज़ नो फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी, जिसमें हम कभी भी जब युद्ध होगा तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा कंट्री आप पे न्यूक्लियर वेपन का ट्रायल या फिर न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो इसी को देखते हुए ये जो पर्टिकुलर BMD सिस्टम है जो फेज 2 BMD सिस्टम है
इससे हम अपना रक्षण कर सकते हैं, अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री ने इंडिया की वॉर अगर उससे छिड़ जाती है और वो इंडिया के ऊपर अगर पहले न्यूक्लियर वेपन को फायर कर देता है पहली बार में, तो फिर हमारी यही जो BMD सिस्टम्स हैं उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर वेपन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और उसके बाद जो हम जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी देश के पास अगर खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही नहीं होगा तो ये न्यूक्लियर वेपन्स उसको शायद दूसरा मौका देंगे ही नहीं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारे पास हमारा जो नो फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी है इसको और भी ज़्यादा ये जोर या फिर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो जरूर करें। थैंक यू।